स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले। हाँ, रजब चले गए ना, शाबान का महीना लग गया है, तो शबे बरात में बनाए जाने वाले चने दाल का हलवा मैं बनाने वाली हूँ आज। मजा आने वाला है भाई, ये चने की दाल का जो हलवा है ना, अम्मे बहुत मस्त बनाते हैं, लेकिन बोलते ना साल में एक ही बार बनता है ये शबे बरात में, और हम लोग ले है ना, मैं खुद लास्ट ईयर ही खा रहा हूँ जब तुमने बनाए थे ना। चने की दाल का हलवा, रवे का हलवा, ये दो तो बनना ही बनना है शाबान के। और मेरे हिसाब से ना बहुत से लोग ये हलवा सिर्फ और सिर्फ शबे बरात में ही खाते होंगे। हाँ। कोई अगर बीच में खाता होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के चने की दाल का हलवा बनाने के लिए मैं क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चने की दाल, शक्कर, दूध की मलाई, बादाम, काजू, दूध, खोपरा, इलायची पाउडर, चारोली और घी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी चने की दाल गलाने के लिए, ठीक है। तो ये 200 ग्राम चने की दाल ली थी मैंने, जिसको 3-4 घंटा मैं भिगाने छोड़ दी थी। अब हमने इसका पानी निकाल लिए है, अब हम इसको गला लेंगे। और हाँ, इसमें हम अब डालेंगे 1/2 लीटर दूध। ये पूरा दूध डाल दी मैंने, इसको अभी 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे, गला लेंगे। और ये दूध डाल के जब ही गलाना, अगर आपको 2 दिन खाना है, 1 दिन खाना है, जगह पे खत्म करना है, तो ही दूध डाल के खाना, ठीक है। और अगर जैसा बहुत से लोग 2 किलो बनाते हैं, 3 किलो बनाते हैं, बहुत सारा बना के रखते हैं ना, कि 15 दिन तक रख के खाएंगे, 1 महीना रख के खाएंगे, तो वैसे लोग दूध नहीं डालना। दूध डालने से ये खट्टा हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, दूध फट जाता है ना। तो 2-4 दिन तक तो अच्छा रहेगा, लेकिन 15-20 दिन के लिए अगर बना रहे हैं तो कुकर में पानी डाल के बॉईल कर लेना 2 सीटी, और फिर निकाल के पीस लेना, ठीक है। और शक्कर वक्कर डाल के, चाशनी वशनी डाल के ही बनाना, दूध मत इस्तेमाल करना ज्यादा दिन के लिए अगर बना रहे तो, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं 15 मिनट तक पकने। तो चलो देखते हैं, 15 से 20 मिनट तक पका ली हूँ मैंने दाल को अच्छी तरह से। देख रहे आप लोग, मैं बताती आपको दाल पहले, ये देखो पूरी दाल मेरी माशाल्लाह अच्छे से गल गई है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। हमको ये दूध इतना चाहिए, जो दूध इसके अंदर बचा है ना, ये दूध ऐसे ही रहने देंगे तो हमको थोड़ा सा मिक्सर में पीसने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम इतना दूध रहने देंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम पीस लेंगे, एकदम ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने चना पीस ली हूँ, मेरी चने की दाल पीस के रख ली हूँ। और ये चने की दाल पीसते पीसते मुझे इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के डालने पड़े, जितना दूध मैंने बाकी रखी थी ना, उसके अलावा और 2-3 चम्मच मुझे छोटे छोटे पानी ऐड करना पड़ा इसको बारीक पीसने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीस चुकी है बारीक। अब क्या करेंगे हम, हमने यहाँ पे फ्राई पैन रख दिए है, अब हम डालेंगे इसमें घी। मैं इसमें 4-5 चम्मच घी डालूंगी, क्योंकि इसमें घी लगता है भूनने के लिए। आप अपने हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डालूंगी। तो मैं ये 4 चम्मच घी डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें ना, कोई कोई लोग फूड कलर डालते हैं, कोई कलर लाने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको पीला कलर चाहिए, लाल कलर चाहिए, अपने हिसाब से डाल देना। अगर हल्दी डाल सकते हैं तो हल्दी भी डाल देना, लेकिन ये मोमेंट पे जब हम घी डाले हैं, ताकि कलर की और हल्दी की बास ना आए, ठीक है। लेकिन मैं हल्दी भी नहीं डाल रही हूँ, मैं कलर भी नहीं डाल रही हूँ, जिस तरीके से है मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो अब क्या करेंगे हम डाल देंगे हमारा ये चना जो पीस लिया ना हमने, ये धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखो मैंने पूरा चना पीसा हुआ इसमें डाल दी हूँ। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, इसको 5-10 मिनट तक ऐसे ही घी में पूरा भून लेंगे, खुशबू आने तक। मैंने इसमें असली घी डाली हूँ, आप डालडा डाल सकते हो, कोई भी घी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन तेल मत डालना, हलवा तेल से अच्छा नहीं लगता है,
आप डालडा डालेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं आप लोग, 5 से 7 मिनट हो गया है मेरे को इसको पकाते पकाते घी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी चीनी डाल लेंगे। तो ये शक्कर मैंने ली हूँ 200 ग्राम, आप अपने हिसाब से लेना, आपको जितना मीठा लगता है। हमारे घर में ज़रा मीठा ज़्यादा खाते हैं इसके लिए। अब हम शक्कर डालते साथ ये क्या करेंगे, ये मैंने मलाई ली हूँ। अगर आप लोगों के पास खोवा है तो आप खोवा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं खोवे के बदले मलाई ले रही हूँ, क्योंकि मलाई से भी बहुत अच्छी बनती है ये मिठाई। जिसके पास खोवा नहीं है वो घर की मलाई डाल लेना। ठीक है, मम्मी कितने दिन से मलाई जमा कर रहे थे? अरे मेरे घर में 2 लीटर दूध आता ना, मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगता है ये जमा करने। ये 2 बार की ही मलाई है, कल की और आज की। अब देखो ये फिर पतला हो गया ना, पूरा शक्कर और मलाई पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका घी छोड़ देना चाहिए सालन में। जिस तरह हम बोलते ना कि हमारा मसाला भून रहे हैं तो तरी पूरा तेल छोड़े तक हमको भूनना है, बस इसमें भी वही काम करना है। पूरा घी छूटे तक इसको हिला के भूनना है, इसको छोड़ना नहीं, हाथ चलाते रहना। अगर जल गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम अभी एकजुट होने तक पूरा आराम आराम से हिलाते रहेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, शक्कर और मलाई डाल के मैंने 10 से 12 मिनट तक इसको पकाई हूँ, हिला हिला के। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा काम इसमें बाकी है। जब तक ये पूरा फ्राई पैन है ना छोड़ नहीं देता ना, जब तक इसको अभी और 2 मिनट में भूनूंगी। ये खुद से इस तरीके से छोड़ना चाहिए, देखो छोड़ना चालू हो गया है, पूरा सूख गया है ना शक्कर, बस और 2 मिनट। तो देख रहे आप लोग, हाथ दुख गए मेरे। ठीक है, 10 से 12 मिनट हो गए, मैं कंटिन्यू चलाई जा रही हूँ और एक घंटे से तो वैसे ही चल रहा है ना। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा गैस स्लो करेंगे, और जो 4 चम्मच मैंने घी डाली थी ना, बस वही घी डाली थी, उसके बाद अब डाल रही हूँ ये 1 चम्मच। ठीक है, अब डालेंगे हम इसमें ये 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको डालना है इलायची पाउडर, केसर, केवड़ा वाटर, इस मोमेंट पे आके आपको जो ऐड करना है अपनी पसंद का वो ऐड करना, मैं सिर्फ इलायची डाल रही हूँ। ठीक है, अब ये डालने के बाद हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, अब मैं जाके इसको और पूरा 10 मिनट तक भूनी हूँ, पूरा सुखाने के लिए, इलायची डालने के बाद भी, है ना। अब ये एकजुट हो गया है, पूरा एक साथ उठ रहा है, पूरा गोला मतलब मेरा रेडी हो गया है, पूरा फ्राई पैन छोड़ दिया है, अब ये रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गैस को एकदम कर देंगे स्लो। अब ये बर्तन ली हूँ मैंने, आपके पास ट्रे होंगी बड़ी, जो बर्तन होंगे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अब ये बर्तन ले ली हूँ, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी, इसको मैं ज़रा हाथ से कर लूँ अच्छे से। तो देखो इस पर घी लगा दी हूँ मैंने, अब क्या करेंगे हम यह गैस कर देंगे बंद। ये अभी हमारा देखो पूरा बेसन का एकदम तैयार हो गया है, इसको सीधा लेंगे, सीधा ही पलटी कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे हम पलटी, ये निकाल लेंगे। अब देखो ऐसा चम्मच आपके पास है तो आप ऐसा चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, गिलास ले लो, जो भी पेंदा जिसका एकदम प्लेन है चावल का चम्मच आता है वो, उसके पीछे इस तरह से घी लगा लेने का और फिर उसको इस तरीके से फैला लेने का आराम से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये मिठाई बहुत अच्छी है, जल्दी बनती है। बहुत से लोग तो शबे बारात का भी इंतज़ार नहीं करते हैं, जब जी में आया बना के रख लेते हैं खाने के लिए, लेकिन घर में बना के खाने के लिए रखना है तो फिर बोल रही हूँ मैं कि घी को, ये दूध को गलाने में इस्तेमाल मत करना। पानी में कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लेना चने को और फिर उसके बाद घी में भून के पीस लेना। इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगी आपको किसी दिन, पानी में बनाए हुआ बिना दूध का, जो आप 1-2 महीना आराम से रख सकते हैं। ठीक है, वो भी बना के बताऊंगी। तो देखो मैंने इस तरीके से सेट कर ली, मेरा ये मस्त चम्मच काम आ गया ना इस तरीके से। अब मैं यहाँ रख दी ये चम्मच को,
अब जो मैंने यहाँ पे ली हूँ ना बादाम पिस्ते, ये भी सब इस पे रख दूंगी ताकि ये अभी गीला है गरम है। आप लोग देखें मैंने ड्राई फ्रूट अंदर डाली ही नहीं, बिल्कुल नहीं डाली, वैसी ही सादा रखी। जितने ड्राई फ्रूट हमको डालना है हम ऊपर डाल लेंगे, ठीक है। अब डालेंगे हम थोड़ी सी चावली। आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है ना तो जिस तरह से मैंने चने की दाल को बिछाई हूँ इसी तरह बिछा देना और ऊपर से ये सूखा खोपरा ला लेना थोड़ा सा और डाल देना। ज़रूरी नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है तो आपके ये चने की दाल का हलवा रेडी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम फिर से ये चम्मच ले लेंगे और फिर इसको धीमी हाथ से इसको दबा देंगे ताकि ये गिल्ले में अंदर तक पहुँच जाए और आराम से सेट हो जाए। अब इस पे चांदी का वरक जो सजाना है वो आपकी मर्जी, मैं नहीं सजा रही हूँ, मैं सिर्फ इसी तरह से बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी इसी तरीके से और थोड़ा ठंडा होने बाद इसके कट लगा दूंगी। काजू कतरी के जैसा काटना है तो काजू कतरी के जैसा काट लेंगे, चौकन चौकन पीस काटना है तो चौकन चौकन पीस काट लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ठंडा होने देते, तो चलो थोड़ा सा ठंडा हो गया, ये जैसा हाथ लगाने लायक तो हो ही गया है तो हम इसमें कट लगा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद काटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने छुरी में थोड़ा सा घी लगा ली हूँ ताकि काटने में हमको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूरे आराम से कट लगा लेती हूँ। तो देखो मैंने एक लाइन इस तरीके से कट कर ली हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके इसको इस तरीके से कट कर लूँगी बर्फी नुमा, है ना। अब आपको जैसा काटना है आप अपने हिसाब से काटना। तो देखो अच्छे से सेट हो गया है और ठंडा हो गया है और ये ना मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के आई थी, ठीक है। आप लोग ऐसा आधा एक घंटा रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन मुझे आप लोग को बताना था इसके लिए मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के आई थी, तो ये सेट हो गया है, ठीक है, मस्त है ना। निकल रहा है ना इस तरीके से, ये इस तरीके से कर लेंगे तो पूरा छोड़ देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको बड़े प्यार से निकालेंगे जो साइड का है ना, पहले इसी को निकाल लेंगे एक टुकड़े को क्योंकि ये भी शेप में नहीं है तो इसको हम साइड कर देते। ये है हमारी बर्फी, इसको हम रख देंगे यहाँ, ठीक है। अब मैं निकालूंगी दूसरी, वाव, इसको भी रखेंगे हम बड़े आराम से। तो देखो मैंने कटिंग कर ली हूँ काजू कतरी के हिसाब से, मैंने डिजाइन कर ली हूँ। आप लोग आपकी मर्जी से, आपके पास कटर होगा ना, बर्फी का कटर होता है उससे भी कटिंग कर सकते, बर्फी कटर आता ना एक मिठाई का उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर गिलास से गोल 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 भी बना सकते हैं, है ना, या ये कटिंग कर लो या चौकन कर लो अपनी मर्जी। देखो कितनी मस्त बनी है मेरी बर्फी, देखो ना जरा नज़दीक से दिखाओ ना, है ना, मस्त बनी है एकदम मीठी मीठी। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना चने की दाल का हलवा, ये है अपना शबे बारात स्पेशल हलवा, मस्त ना यार। बहुत से लोग बनाते हैं ये शबे बारात में, बहुत से लोग जो फातिया करते हैं ना वो लोग खास करके बनाते हैं ये, और इस तरीके का हमें क्या रवि का भी आता है ना, मतलब ना शबे बारात में ना वेट करने का कि कौन मतलब किसके घर में से क्या क्या अलग अलग चीज आएगी। एक तो रवा आता है, फिर रवे का हलवा आता है, गाजर का हलवा आता है, मीठे चावल आते है, हाँ जर्दा जिसे जर्दा कहते हैं ये आता है, मतलब एक से एक मीठा आता है। सब फातिया देखिए हमारे गली में मिस कहता है सब घर में बांटते तो सब लोग बांटते ना तो सबके घर से अलग अलग आते, तो अम्मी तो ये ही बनाते हैं ज्यादातर, अम्मी ये बनाते तो हम लोग तो ना वेट करते कि अम्मी कब बनाएंगे, और वहाँ बनते रहता थाले में से ना ऐसे दो चार पीस गायब होते रहते, अम्मी ऐसा काट के रखेंगे देखेंगे दो पीस गायब। कई लोगों को मैंने देखी हूँ
कि शबे बरात का नाम लेते और दो दो तीन तीन किलो ऐसा बना के ना डब्बे में हाँ खुद एक एक महीना खुद खाते रखे। एक महीना नहीं बोलूंगा लेकिन अम्मी भी जब बनाते ना ये तो चार से पांच दिन तो हम लोग खाते हैं। मेरे बच्चों के हिसाब में बनाते हैं। खाना खाने के बाद एक से दो पीस खाने ना बहुत मजा आता है। खाने के बाद मीठा थोड़ा लगता है। चलो अभी खाते हैं क्या। अभी ऐसा ही सेम रवे का किसको चाहिए मुझे बताना। रवे की भी बहुत मस्त बनता है और थोड़ा कड़क कड़क रहता है। खाने में बहुत मजा आता है। हाँ, जिसका दांत का प्रॉब्लम है वो यही खाओ। ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ले लो मैं छोटा नहीं हूँ। और ऊपर से मैंने मस्त काजू बादाम भी मस्त दबा के डाली अंदर। और जिसको कुरकुरे और क्रंची खाने का वो रवे का खाओ। रवे का भी बहुत मस्त लगता है। गजब गजब पूरा मुंह में मस्त बनता है एकदम। मतलब ऐसा 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 रहता है ऐसा मुंह में ना अल्ट्रा मस्त। जिसको ज्यादा दिन के लिए रखना है वो अभी फिर बता रहा हूँ दूध नहीं डालने का। अभी बोल दे रही हूँ कि दूध से बिल्कुल नहीं पकाना। पानी से भी ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। बिना दूध ऐड करे भी ये हलवा बहुत अच्छा बनता है। उसको आप स्टोर करके आराम से महीना भर रख के खाओ। कोई टेंशन नहीं। मस्त मस्त। इसको क्या हमारे घर में सभी को ये बहुत पसंद है। अभी नीचे जाएगा ना बहुत पढ़ के खाएंगे इसको। ये एक पीस भी नहीं बचेगा अभी। हमारे घर में बड़े से लेके छोटे तक ये हलवा बहुत पसंद है सबको। तो भाई कैसी लगी हलवे की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को रवे की ऐसी मिलती जुलती रेसिपी चाहिए कड़क वाली तो वो भी कमेंट करके बताना कि हाँ आंटी वो रेसिपी चाहिए तभी बनाएंगे हम लोग नहीं तो नहीं बनाएंगे। शाबान की स्पेशल डिश चाहिए। हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। अभी कब से देखते रहोगे लाइक नहीं करोगे यार। लाइक करो लाइक कर दो बेटा लाइक कर दो। और जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया या फिर वो जो हमारे वीडियो डेली देखते फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो कर दो अभी तो सब्सक्राइब कर दो कर दिए। अरे लोग तो मजे लेते बोले सब्सक्राइब नहीं करते रियाज भाई बोलते ना तो बहुत अच्छा लगता। नहीं नहीं ये गलत बात है ऐसा नहीं। अम्मी की बात पे ध्यान नहीं देने का सब्सक्राइब करने का। और ये रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत ही इजी वे में अम्मी ने बनाया है सच्ची में बहुत आसान तरीके से बताई। बहुत शेयर करना बहुत लोग बनाते। और क्यों रजब का शाबान का इंतजार करना। ये तो मीठी डिश है ना जब मन करे तब बनाओ। जब मन करे जिसको मीठा पसंद है वो कोई त्योहार का इंतजार नहीं करते। सच्ची में बना के खाते। चलो अभी चलते हैं जब तक मैं खा के खत्म करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़। बाय। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।